गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज 3.7 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 11. ओके एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन क्वेश्चन 1, 2, 3 यस्टरडे. आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. सो Who are the new watcher of my video? So I'm explaining this these question once again. So listen carefully that what is the explanation of 1, 2, and 3. So here before that I'm going to explain what is LCM, what is SCF, and where we need to find LCM, where we need to find SCF. So LCM is the least common multiple and SCF is the highest common factor. Least common multiple का मतलब ये है कि अगर हम किसी number का LCM find out कर रहे हैं तो वो एक ऐसा number होगा जो उन दिए हुए number से पूरा पूरा divisible हो जाए, divide हो जाए. और SCF highest common factor is the number जो एक ऐसा number होगा, greatest number होगा जो उन given number को पूरा पूरा divide कर दे, ठीक है ना. सो LCM और SCF मैंने आपको दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फाइंड करना सिखाया है. और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर आप जानना चाहते हो तो यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो. ओके एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल सेंड दैट वीडियो लिंक. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. सो एक चीज़ और कि कब हम LCM फाइंड करेंगे, कब SCF फाइंड करेंगे. सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट मीन्स जब आपसे कभी भी किसी भी डेटा का कोई स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट या फिर सॉल्टेस्ट चीज़ पूछी जाए तो वहाँ पर आपका हमेशा और हमेशा LCM फाइंड होगा. और जब किसी भी डेटा का कुछ ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो वहाँ पर हम SCF उस डेटा का फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. तो हेयर वी नीड टू फाइंड आउट द एस सी एफ ऑफ 75 and 69 kg. सो एस सी एफ कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 75 और 69 का फर्स्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमको सिर्फ प्राइम नंबर से ही उनको फैक्टराइज करना होता है. तो 3 से डिवाइड करेंगे, 25, 5, 5 और 5, 1. तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन और फिर 69 का फैक्टराइजेशन जो हो गया. सो आप चेक कर पा रहे हैं कि इसमें एक नंबर कॉमन है, क्या 3 3 कॉमन है दोनों में, दोनों फैक्टराइजेशन में 3 कॉमन है. दैट्स वाई इनका जो SCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. सो हैंस द रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज 3 kg. ओके समझ में आ गया होगा सबको. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने कल मुझे होमवर्क दिखाया था उनके क्वेश्चन सही भी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, देयर स्टेप्स मेजर 63 cm, 70 cm एंड 77 cm रिस्पेक्टिवली. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in this complete step? So you need to focus only one line. What is the minimum distance? So minimum, that means you need to find out the LCM of these data. 63, 70, 77, you need to find out the LCM of these. And for LCM, how can we find that? LCM we can find by these method, the prime factorization method. First you need to write in these number with the comma separation. So 2, 6, say you can divide it 35, and next 3 you can divide it 21, 35, 77, and next line you need to divide by 3 again, 7, 35, 77, and next line you can divide by 5, and next line 7, and next line 11. That means after that, in last line, you will get 111. That means prime factorization has been completed. Now you can write all these factorization of left side and multiply all these numbers. So you will get 6930, which is the lowest, which is the minimum distance. Okay,
जो कि आपके मिनिमम डिस्टेंस आ गई 6930। दिस इज योर आंसर। आई होप कि सबका जो है जब कोई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप विच कैन मेजर द थ्री डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। सो लेट्स फोकस ऑन सिंगल लाइन। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप। लॉन्गेस्ट दैट मीन्स हाइएस्ट। सो यू नीड टू फाइंड आउट द एफसीएफ ऑफ 675, 825 एंड 450 सेंटीमीटर। सो वी कैन फाइंड इट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 825। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 825 इज 355, 11, 675, 33355 एंड 450, 23355। ओके सो फर्स्ट देन वी नीड टू चेक दैट विच नंबर इज कॉमन इन ऑल द फैक्टराइजेशन। सो 3 इज कॉमन एंड 5 इज कॉमन। सो 3 मल्टीप्लाई 5 दैट मीन्स यस 25 कॉमन। सो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 दैट मीन्स द टोटल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लॉन्गेस्ट स्टेप इज 75 सेंटीमीटर विच इज द आंसर। ओके नाउ कम्स टू द न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो आवर न्यू क्वेश्चन, टुडेज़ क्वेश्चन, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। सो नाउ कम्स एंड लेट्स रिमाइंड द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम। एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा लोएस्ट नंबर जो दिए हुए नंबर से पूरा पूरा डिवाइड कर जाए। तो यहाँ पर 6 एंड 8 एंड 12 से अगर हमको नंबर डिवाइड करने वाला निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स 6, 8 एंड 12। तो एलसीएम वी कैन फाइंड आउट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो एलसीएम की वैल्यू देखिए, प्रोसीजर क्या है, 2 से डिवाइड किया। सबसे पहले आप चेक करोगे कि इसमें किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर एक भी नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर आप वहाँ पर उससे डिवाइड करोगे, बाकी नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। सो यू नीड टू राइट एज यूजुअली। सो 2, 3 जो 6, 2, 4 जो 8, 2, 6 जो 12, देन 2, 3 डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही लिख देंगे 2 एंड 3। उसके बाद अब 2 से फिर अभी डिवाइड हो रहा है, 1 आ जाएगा और 3 से लास्ट में डिवाइड होगा। तो ऐसे करके इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24। तो अब यू कैन आप चेक कर सकते हो कि 6, 8 और 12 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं 24 को। बट हेयर यू कैन चेक दैट दिस इज नॉट द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। ओके दिस इज नॉट अ स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। सो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इट इन टू थ्री डिजिट नंबर। हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इन टू थ्री डिजिट नंबर, दैट स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 100। सो वी नीड टू डिवाइड 100 बाई 24, बिकॉज हमको यहाँ पर चेक करना है कि वो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर ऐसा कौन सा है जो कि इन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो एक चीज़ मुझे बताओ, अगर उसके फैक्टर से वो नंबर थ्री डिजिट नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसके फैक्टर से नहीं, उसके एलसीएम से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसके फैक्टर जो हैं 6, 8 और 12 उनसे भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर 100 को 24 से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलता है, हमको रिमाइंडर मिलता है 4। अब 4 रिमाइंडर मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 4 रिमाइंडर मिलने का मीन्स क्या है। यहाँ पर आप एक चीज़ मुझे बताओ कि 24 को अगर हम डिवाइड करें किसी भी थ्री डिजिट नंबर से, सबसे पहला थ्री डिजिट नंबर कौन सा आता है, वो आता है 120। आता है कि नहीं, देखो चेक करो आप, 100 से लेकर के 90 से लेकर के 100-200 के बीच में सबसे पहला थ्री डिजिट नंबर कौन सा आएगा, 120 आएगा कि नहीं। तो दैट मीन्स जो पहला थ्री डिजिट नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 120। लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस प्रोसीजर, आपको सिर्फ चेक करना है कि कौन सा सबसे पहला थ्री डिजिट नंबर आएगा, स्मॉलेस्ट होगा, जो सबसे पहला थ्री डिजिट नंबर आएगा वो ही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि वो स्मॉलेस्ट भी चाहिए तो सबसे स्मॉलेस्ट, दैट मीन्स अगर वो 100 भी होता तो सबसे आंसर 100 ही हो जाता, बट वो 100 नहीं है बिकॉज 100 जो है वो 6, 8, 12 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। दैट्स वाई 120 इज़ द आंसर, जो कि 24 से पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स के फैक्टराइजेशन 6, 8 और 12 से भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, सो ये प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करना है, आपको जो मैंने प्रोसीजर बताया कि लेट्स फाइंड आउट द नंबर which is completely divisible by 24. If it is divisible by 24,
then it also divisible by 6, 8 and 12 because these are the factor of 24, okay. So next question aate hain, question number 5, determine the greatest 3 digit number exactly divisible by 8, 10 and 12. So 8, 10 and 12, ab wahi cheez LCM लेना पड़ेगा क्योंकि हमको एक ऐसा नंबर नहीं, यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट भी हो जाए, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर आपको देना, बट आपको जो चीज़ देनी है वो क्या देनी है, वो आपको जो नंबर वैल्यू देनी है वो क्या देनी है, वो ऐसी वैल्यू देनी है जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट LCM ऑफ 8, 10 एंड 12. सो 8 एंड 10 एंड 12 का LCM वी विल फाइंड. सो लेट्स रिपीट द सेम प्रोसीजर दैट 2 4 is 8, 2 5 is 10, 2 6 is 12, 2 2 is 4, 5 is not divisible by 2, so 5 2 3 is 6, 2 1 is 2, 5 3, 3 1 5 1 5, and last. Now let's multiply all these left side factorization. So 2 multiply 2 multiply 2 3 multiply 5. So here we are finding that 120 is the LCM of 8, 10 and 12. So 120 जब इसका LCM हो गया तो मुझे एक चीज़ बताओ कि 120 को हम डिवाइड करेंगे किसी थ्री डिजिट नंबर से, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा. तो सबसे ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा वो 999 होगा, होगा कि नहीं. सो सबसे पहले 999 में आप 120 को डिवाइड करो. सो लेट्स डिवाइड 999 बाय 120. सो वी आर फाइंडिंग 39 एज अ रिमाइंडर. सो रिमाइंडर हमको 39 मिला. दैट मीन्स अगर 999 में 999 में ग्रेटेस्ट नंबर में अगर हम 39 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा ना ग्रेटेस्ट, जो कि 120 से पूरा पूरा डिवाइड होगा. और 120 से डिवाइड हुआ तो उनकी फैक्टराइजेशन 8, 10 और 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. यस या नो? तो आई थिंक कि ये सबको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया है. और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि आप थ्री डिजिट का एक ऐसा नंबर फाइंड करो, यहाँ पर अगर आप नहीं डिवाइड करना चाहते हो तो थ्री डिजिट का एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो जो सबसे ग्रेटेस्ट हो थ्री डिजिट में, उसके पहले वाला नंबर ना उसके सबसे बाद में फोर डिजिट का नंबर आ जाए, थ्री डिजिट का ना उसके बाद में क्या आ जाए, फोर डिजिट का नंबर आ जाए. ऐसा आपको नंबर फाइंड करना है जो थ्री डिजिट का हो और सबसे ग्रेटेस्ट हो और वो 120 से पूरा पूरा डिवाइड भी कर रहा हो. जब 120 से डिवाइड करेगा तो उनके फैक्टराइजेशन से भी डिवाइड कर जाएगा. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आता है जब ये आप सैनिक मिलिट्री के एग्ज़ाम्स को में आप बैठोगे तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिल सकते हैं. सो आई थिंक क्लास फिफ्थ में भी जो आपने दिया होगा सैनिक मिलिट्री, तो क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़ाए गए होंगे. तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. द ट्रैफिक लाइट एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट वॉट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन. सो मुझे एक चीज़ बताओ, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है आपको जो कि इन नंबर से, इन सेकंड से, इन टाइम से पूरा पूरा डिवाइड कर जाए, तो वो कौन सा नंबर होता है, LCM ही तो होता है. सो हेयर अगेन वी नीड टू फाइंड आउट द LCM ऑफ 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड. सो लेट्स फाइंड आउट द LCM. सो LCM तो 224, 36, 54. सो एन हेयर इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 48, 72, 108. सो we need to multiply it. Multiplication is solving and 432 second the light will change simultaneously. ठीक है ना, after the 432 second जो light जो है वो change होगी simultaneously. तो second में अपने यहाँ पर आप minute में भी इसको निकाल सकते हो. so minute में क्या हो जाएगा, 7 minute 12 second. ठीक है, 7 minute 12 second past 7 AM, मतलब after 7 AM means 7 बजे के बाद. ठीक है, वट टाइम विल दे चेंज सेवन रेजिटेशनली. ठीक है, आफ्टर 7 AM में 7 minute 12 second में ये जो लाइट है वो एक साथ क्या होंगी, ब्लिंक करेंगी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. देखिए यहाँ पर अगर LCM और LCF अगर आपको निकालना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर
434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, आधे लोग सोल्यूशन भी आ गया होगा, दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द थ्री कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. सो लेट्स फोकस द सिंगल लाइन, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर. तो मैक्सिमम कैपेसिटी दैट मीन्स एक ऐसा नंबर जो इन कैपेसिटी को, डीजल कैपेसिटीज़ को आपको पूरा पूरा डिवाइड कर दे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स फाइंड आउट द SCF ऑफ दीज नंबर्स. SCF फाइंड आउट करेंगे, SCF करने के लिए 403 डिवाइड होगा 13 से, 31 आ गया, 31 इज़ अ प्राइम नंबर सो वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे ही. उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 7, फिर 31, 2, 3, 5, 31. तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है 31 इज़ अ कॉमन नंबर और कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं है. दैट मीन्स SCF जो हो गया 31, सो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिक्वायर्ड कंटेनर इज 31 लीटर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 9, 10 और 11. सो आज आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करने हैं. और क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है. सो 8, 9, 10 और 11 कल मैं आपको बताऊंगा. सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गए होंगे, और आपको इन इस वीडियो से जो कल मैंने आपको पीडीएफ भेजा था मैंने आपको इस चैप्टर का, आई थिंक भेजा था, नहीं भेजा होगा तो मैं आपको आज भेज दूंगा. और इस पीडीएफ में से आपको एक्सरसाइज 3.7 सबसे लास्ट पेज पे है, उस लास्ट पेज से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 क्वेश्चन तक आपको जो है फाइंड आउट करने हैं, उसमें से नोट करने हैं, और नोट करके आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है. फर्स्ट थिंग नीट एंड क्लीन राइटिंग, सेकेंड थिंग आपको जो है लैंग्वेज लिख करके क्वेश्चन करना है, उसका आंसर भी जो आप लिखते हो सो आपको लैंग्वेज लिखनी है. और लास्ट थिंग ये कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें एंड वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना करें, कोई कहीं भी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ सो अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो छूट जाएगी. ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं होता, 20 मिनट्स का भी वीडियो होता है, लगभग अप्रॉक्स 20 मिनट्स का होता है. सो 20 मिनट्स आप वीडियो को वॉच करो, उसको वॉच करो जब, तो आपके पास रफ़ कॉपी और पेंसिल या पेन कुछ भी होना चाहिए, ताकि आप जो मैं बता रहा हूँ आप इसको तुरंत वॉच करके सॉल्व करने में लग जाओ, और फिर चेक करो क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है. ओके, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. मैं आपको PDF भेजता हूँ, उसके थ्रू आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को फाइंड आउट करना. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे.